बताया है वाटर फ्लो एट ऑफ ट्वेल्व मीटर क्यूब पर सेकेंड इन मीटर वाइट रेक्टेंगुलर चैनल इन द चैनल एट ए पॉइंट वेट द अपस्ट्रीम डेप्थ इज थर्टी सेंटीमीटर जस्ट बिफोर द जम्प

एक्सलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाइन पॉइंट एट्टी वन है यूनिट वेट ऑफ वाटर वन थाउजेंड है हमने यहाँ पे एक एक्जिशन ले ली कि चैनल के बेड को हॉर्जेंटल एंड फ्रिक्शन लेस माना है अपनी कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया हमने देखा कि जम्प कहीं से अकर हो रहा है देखो हाइड्रोलिक जम्प तभी बनता है जब फ्लो आ, ट्रेवल करता है फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल ठीक है तो सब सुपर क्रिटिकल में आपको पता है डेप्थ ऑफ फ्लो बहुत ही कम होता है जब पानी का डेप्थ बहुत कम होगा पानी फास्ट फ्लो करेगा तो सुपर क्रिटिकल मीन्स पानी फास्ट फ्लो करेगा और जब डेप्थ बढ़ जाएगा तो पानी धीरे धीरे फ्लो करेगा समंदर में जब पानी फ्लो करता है तो हमें पता नहीं चलता है कि पानी फ्लो कर रहा है या नहीं लेयर्स का पता नहीं चाहिए चलता है कि पानी के लेयर्स फ्लो कर रहे हैं या नहीं क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो ज़्यादा होता है और आप देखो किसी नदी में या सड़क पर देखो जो बारिश होती है तो वहाँ पानी एकदम फास्ट फ्लो करता है क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो कम होता है यही कंसेप्ट यहाँ पे भी हमने यूज़ करना है तो यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप बन गया तो जंप से पहले का जो डेप्थ है वो अपस्ट्रीम डेप्थ हो गया जंप के बाद का डेप्थ जो है वो डाउनस्ट्रीम डेप्थ हो गया तो अपस्ट्रीम डेप्थ इसने बोला तो वाई वन हो गया यहाँ पे वाई टू हमें फाइंड आउट करना है ठीक है देखो पावर लॉस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ठीक है पावर लॉस का फॉर्मूला है गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन टू हेड लॉस तो सबसे पहला काम क्या है हमें हेड लॉस को फाइंड आउट करना है हेड लॉस का फॉर्मूला है वाई टू माइनस वाई वन होल क्यूब डिवाइड बाई फोर वाई वन वाई टू यहां पे हेड लॉस को निकालने के लिए हमें वाई टू की जरूरत है तो सबसे पहला काम क्या है हमें हेड लॉस फाइंड आउट करना है तो सॉरी सबसे पहले काम हमें क्या है वाई टू फाइंड आउट करना है वाई टू को फाइंड आउट करने के लिए हमने बेलेंजर मोमेंटम इक्वेशन का यूज करना है तो बेलेंजर मोमेंटम इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको अगर वाई टू डेप्थ या वाई वन डेप निकालना है तो आप ये इक्वेशन का यूज करेंगे तो पर्टिकुलरली वाई टू के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे और अगर y1 निकालना होता तो y1 y2 करके यहाँ पे f2 स्क्वायर कर लेते ठीक है ये आप सभी को पता है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है हमें फ्राउड्स नंबर एट सब क्रितिक, सुपर क्रिटिकल साइड में फ्राउड्स नंबर निकालना है सुपर क्रिटिकल फ्लो का फ्राउड्स नंबर f1 निकालना है ठीक है तो f1 कैसे निकालेंगे तो हमारा हमारे पास फार्मूला है f1 √gy तो यहां पे 1 पे निकालना है फ्रौड्स नंबर 8 सुपर uh, क्रिटिकल तो यहाँ पे वाई वन ले लिया हमने आपको पता है डिस्चार्ज क्या होता है एरिया इंटू विलोसिटी और डिस्चार्ज को हम फॉर रेक्टिंगर चैनल क्वेश्चन में बताया है वो बी वाई होता है इन टू वी तो क्यू अपॉन बी डिस्चार्ज पर यूनिट वृद्ध को हम स्मॉल क्यू से लिखते हैं ये बराबर होता है वी इंटू वाई ठीक है ये बराबर हो गया वी इंटू वाई इतनी बात क्लियर है तो डिस्चार्ज क्या है क्यू बाई बी क्यू हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ट्वेल्व और बी क्वेश्चन में प्रोवाइड है सिक्स मीटर तो ये यहाँ से टू हो गया तो शुमाल क्यू डिस पर यूनिट विद, विद कितना हुआ टू हो गया अब क्या करेंगे फ्राउड्स नंबर एफ आर वन विल बी इक्वलन टू वी की जगह हमने क्या किया क्यू बाई क्यू डिवाइड बाई वाई लिख लिया वाई वन ठीक है अंडर रूट जी वाई वन इतनी बात क्लियर है उसके बाद हमने क्या किया एफ आर वन टू क्यू हमें पता है टू हमने अभी निकाल लिया है डिवाइड बाई वाई वन पता है कितना है पॉइंट थ्री मीटर इन टू मेंूट नाइन पॉइंट एट्टी वन जी टू नाइन पॉइंट एट्टी वन इंटू में पॉइंट थ्री कर दिया जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हमें फ्रॉड नंबर मिलेगा थ्री पॉइंट एट्टी वन थ्री पॉइंट एट्टी एट ठीक है तो ये ग्रेटर देन वन है और हमेशा याद रखना सब क्रिटिकल फ्लो का फ्रॉड नंबर वन होता है तो हमें यहाँ पे हमने वो प्रूव कर दी वो बात मतलब वो स्टेटमेंट भी प्रूव कर दी कि यहाँ पे एफ वन है एफ़ वन पर फ्रॉड्स नंबर एफ़ वन होगा तो एफ़ वन कौन सा फ्लावर्स नंबर हो गया सब सुपर क्रिटिकल फ्लो का और सुपर क्रिटिकल का फ्लावर्स नंबर एफ आर वन जो होता है वो ग्रेटर देन वन होता है यहाँ पे हमें आ चुका है थ्री पॉइंट थर्टी एट तो ये ग्रेटर देन वन है ठीक है इतनी बात यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है और एग्जैक्टली क्या है ट्रू है अब यहाँ से ईजीली वाई टू निकाल सकते हैं यहाँ पे क्या करने हैं यहाँ पे हमें एफ आर वन की जगह में हमें थ्री पॉइंट एट्टी एट पुट करना है तो हम क्या करेंगे वाई टू इक्वल टू वाई वन ठीक है इंटू में हाफ ऑफ माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एट इंटू में थ्री पॉइंट एट्टी एट होल स्क्वायर ठीक है इतनी बात क्लियर है यहाँ से आपको पता है वाई वन क्या है वाई वन है पॉइंट थ्री इंटू में वन बाई टू माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एट इन टू में थ्री पॉइंट एट्टी एट होल स्क्वायर यहाँ से वाई टू हमें जो है फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वाई टू का वैल्यू आ रहा है वन पॉइंट फाइव ज़ीरो फाइव मीटर इतनी बात क्लियर है तो वाई टू मीन्स डेप्थ ऑफ फ्लो इन डाउन स्ट्रीम साइड में ठीक है जम के नीचे वाले साइड में डाउन स्ट्रीम साइड में डेप्थ ऑफ़ फ्लो वाई टू कितना आया ये आ गया अब यहाँ से हम एच एल निकाल सकते हैं एच एल क्या होता है एच एल होता है वाई टू माइनस वाई वन होल क्यूब डिवाइडेड में फोर वाई वन वाई टू जब यहाँ पे आप सारे वैल्यू पुट करेंगे वाई टू कितना है वन पॉइंट फाइव ज़ीरो फाइव माइनस पॉइंट थ्री ज़ीरो होल क्यूब डिवाइड बाई फोर इंटू वन पॉइंट फाइव ज़ीरो फाइव इंटू पॉइंट थ्री ज़ीरो ठीक है तो यहाँ से हमें वाई यहाँ से हमें वाई एच एल का जो वैल्यू है हेड लॉस का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा जीरो पॉइंट नाइन सिक्स एट मीटर ठीक है इतनी बात क्लियर है अब पावर लॉस क्या होगा पावर पावर लॉस पावर लॉस इन द जंप इन द जंप तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है गामा डब्ल्यू क्यू इन टू एच एल ठीक है कामा डब्ल्यू हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कितना है नाइन पॉइंट एट्टी वन इंटू क्यू डिस्चार्ज है ट्वेल्व इंटू पॉइंट नाइन सिक्स एट ठीक है इतनी बात क्लियर है ये सब क्लियर है यहाँ तक ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ से पावर लॉस को कैलकुलेट करेंगे ये सब सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद हमें एलेवन वन वन फोर पॉइंट जीरो फोर किलो में पावर मिल जाएगा ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो गया ठीक है आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या कहीं पे कुछ आपका कन्फ्यूजन है डाउट है तो आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना अगर फिर भी समझ नहीं आया यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेके मिलते हैं टिल देन यू टेक केयर